कॉस्ट ऑडिट ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ठीक है सबसे पहले उसका मीनिंग को समझते हैं एक सिंपल भाषा में कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है ऑडिटिंग ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑडिटिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स यदि कॉस्ट का रिकॉर्ड का ऑडिटिंग किया जाए उसी कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं यह ऑडिटिंग यह चेकिंग कौन करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा याद रखेगा अब इस टेबल को देखिए आपको समझ में आएगा ठीक कुछ की वर्ड है उसको याद रखना है कॉस्ट ऑडिट audit मतलब ऑडिटिंग ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स कॉस्टिंग की रिकॉर्ड्स का ऑडिटिंग को कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं मतलब कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को चेक करने को ही कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का मतलब कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का मतलब होता है बुक्स ऑफ मटेरियल्स, बुक्स ऑफ लेबर्स और बुक्स ऑफ ओवरहेड। ध्यान से समझिएगा कि एग्जांपल समझा रहा हूं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे पहले क्या करेगी कुछ रॉ मटेरियल परचेज करेगी फिर लेबर से कुछ प्रोडक्शन कराएगी और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा लेबर और ओवरहेड का कुछ खर्चा होगा तो सबसे पहले जो मटेरियल का खर्चा करती है उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है लेबर का का या ओवरहेड जो खर्चा करती है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है तो बोलने का मतलब है जो लेबर या मटेरियल का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसी का ऑडिट का उसी की चेकिंग को कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं तीन कीवर्ड याद रखना है और ये सारा कोस्ट ऑडिट कौन करेगा कोस्ट अकाउंटेंट करेगा सी करेगा याद रखिएगा तो सिंपल सा कोस्ट ऑडिट का मतलब समझ में आ गया सर मेरे को चेकिंग ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड्स कोस्ट रिकॉर्ड का चेकिंग को ही कोस ऑडिट बोलते हैं और कोस्ट रिकॉर्ड मतलब बुक्स ऑफ मटेरियल बुक्स ऑफ लेबर और बुक्स ऑफ ओवरहेड याद रखिएगा और कोस्ट ऑडिट कौन करता है कोस्ट अकाउंटेंट करता है बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं नेक्स्ट में आ जाइए मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड्स बोलता है कि किस कंपनी को कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा ध्यान से सुनिएगा प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है किस कंपनी को कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा कोस्ट रिकॉर्ड्स मतलब अपने समझ गए हैं कोर्स रिकॉर्ड्स का ऑडिट को ही कोस्ट ऑडिट बोलते हैं अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कोस्ट रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करना पड़ेगा याद रखिएगा तो क्या बोला है प्रोविजन को अच्छा से समझिएगा ठीक है बोलता है कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस याद रखिये कंपनी क्या चीज में एंगेज होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस और टेबल बी टेबल ए और टेबल बी का सिंपल सा मतलब है कि सारी को दो सेक्टर में बांट दिया गया है एक बोलते हैं टेबल ए मतलब रेगुलेटेड सेक्टर और दूसरा है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर तो आपको टेबल ए टेबल बी में ज्यादा माथा नहीं लगाना सिर्फ इतना याद रखना है कंपनी इंगेज होनी चाहिए मैन्युफेक्चरिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस क्योंकि कॉस्ट ऑडिट इसी पे अप्लीकेबल है ऑलमोस्ट सारा कंपनी आ जाता है तो कीवर्ड याद रखिएगा कंपनी क्या चीज में एंगेज होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड एंड दूसरा कंडीशन देखिए एंड में प्लस लिखा है मतलब दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 35 करोड़ और मोर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब अगले साल उस कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए दो कंडीशन है क्या है पहला है? कंपनी इंगेज होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस में याद देखिए सारी कंपनी लिस्टेड है टेबल ए होगी या टेबल बी होगी लिस्ट ठीक तो है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कंपनी इंगेज होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस में और उसका टर्नओवर पिछला साल 35 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर देखिए रेगुलेटेड सेक्टर मतलब टेबल ए कंपनी टेलीकोम्युनिकेशन पेट्रोलियम पावर ड्रग्स सुगर फर्टिलाइजर ये सब टेबल ए में डाल दिया गया है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में सीमेंट कॉफी टी रेलवे सेक्टर को डाल दिया गया है इस टेबल को देखिएगा टेबल इज बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स रिकॉर्ड के लिए टेबल देखना आपको पूरा समझ में आ जाएगा पहला कंडीशन है कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए टेबल ए

कंपनी को कोसिकोर्ड्स फॉर्म सी आर ए वन मेंटेन करना पड़ता है याद रखिएगा रखेगा कोसिकोड मेंटेन करेगा फॉर्म सी आर ए वन में याद रखेगा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू भी आता है को सिकोर्ड्स का फॉर्म नंबर क्या है सीआरए वन याद रखेगा तो कंपनी कोसिकोर्ड्स मेंटेन करता है सीआरए वन और याद रखेगा कंपनी जो कोसिकोर्स मेंटेन करेगा कोस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा याद रखेगा सिंपल सा चीज है तीन कीवर्ड याद रखना है टर्न ओवर पैंतीस करोड़ उससे ज्यादा होना चाहिए उस कंपनी का कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए टेबल ए और टेबल बी में और फॉर्म सी आर ए वन में कोस रिकॉर्ड इतना ही याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट कोस ऑडिट अब किसको कराना पड़ेगा कोस रिकॉर्ड्स का कहानी समझ में आ गया टर्नओवर देख लेंगे अब कोस ऑडिट एक अलग चैप्टर है याद रखिएगा को समझिएगा फिर दोनों का कंपेरिजन समझा देंगे सबसे पहला इम्पोर्टेंट है सेक्शन वन फोर्टी आता है कि सेक्शन वन के हिसाब से कोस ऑडिट होना चाहिए सेक्शन क्या है कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन 148 अब ध्यान से सुनिएगा कोस्ट ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी क्या है किस कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा ख दो प्रकार की कंपनी होती है हम लोग कॉसोडिटी में सीखे एक होती है रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी जिसको बोलते हैं टेबल ए कंपनी और एक एक होती है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी जिसको बोलते हैं टेबल बी कंपनी वो लिस्ट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर दिया सारा कंपनी को दो पार्ट में बांट दिया गया है किसी को टेबल ए में डाला गया है किसी को टेबल बी में डाला गया है यदि टेबल ए की रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी होगी उसका टोटल टर्नओवर मतलब सारा प्रोडक्ट और सर्विस का टर्नओवर ऑल ओवर जो है टोटल टर्नओवर पिछला साल का 50 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए एंड दूसरा कंडीशन है एंड लिखा मतलब टू कंडीशन कंडीशन नंबर टू एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज 25 करोड़ और मल. मतलब उस कंपनी का सपोज कंपनी चार्ट प्रोडक्ट बनाती है ए बी सी डी सारा प्रोडक्ट का टर्नओवर ओवरऑल टर्नओवर कितना होना चाहिए पचास करोड़ और मोर होना चाहिए और एक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सिर्फ एक का टर्न ओवर पच्चीस करोड़ से ज्यादा होना चाहिए मतलब सारा प्रोडक्ट का टर्नओवर ओवर मिला के पचास करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए और एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्न ओवर करोड़ उससे ज्यादा होना चाहिए यदि वो रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी है तो उस एप्लीकेबल हो जाएगा याद रखेगा दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा यदि वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी है तो उसका टोटल टर्न कितना होना चाहिए 100 करोड़ और उससे ज्यादा प्लस इंडिविजुअल जो टर्न ओवर है एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टोटल टर्न ओवर पैंतीस करोड़ से ज्यादा होना चाहिए मतलब रेगुलेटेड सेक्टर की होगी इस टेबल को देखिए इस टेबल को देखिए आपको समझ में आ जाएगा यदि वो रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी है तो टोटल टर्नओवर कितना होना चाहिए पचास करोड़ और उससे ज्यादा और एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर ओवर पच्चीस करोड़ उससे ज्यादा होना चाहिए उस कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी और वो नॉन तो रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी होगी तो उसका टोटल टर्न ओवर पर सो करोड़ हो गया देखिए इसको देखिए एक मिनट देखिए नॉन रेगुलेटेड या टेबल बी सेक्टर की होगी तो उसका ओवरऑल टर्नओवर कितना होना चाहिए सो करोड़ उससे ज्यादा याद रखिएगा सो करोड़ और उससे ज्यादा और इंडिविजुअल पैंतीस करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए बस अब नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्टिक ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है मतलब उसका ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ डेढ़ सौ करोड़ हो जा रहा है और इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर भी 35 करोड़ से ज्यादा हो जा रहा है उसके बाद भी उस पर कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होगा तो उसके लिए तीन कंडीशन एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो उस उसपे कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा यदि एक्सपोर्ट रेवेन्यू यदि वो कंपनी एक्सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट रेवेन्यू पचहत्तर ऑफ द टोटल रेवेन्यू है तब दूसरा कंपनी एससीजेड में है तीसरा कंपनी है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाती है और वो खुद ही उसको कंज्यूम कर लेती है तीन कंडीशन जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस ऑडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर्स इसको ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बोलता है एकदम याद रखिएगा कोस ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है बोर्ड कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो एक दिन तीस सितंबर के अंदर कंपनी को कॉस ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा तो याद रखिएगा फर्स्ट दो पॉइंट याद रखिएगा ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग कंपनी का कोस ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं टाइम लिमिट है एक दिन फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ फिनेंशियल ईयर याद रखिएगा और कंपनी के पास ऑडिटर को आर ओसी को एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है उस फॉर्म का नाम है सीआरए टू याद रखियेगा तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस ऑडिटर कब पॉइंट होगा विद इन वन एटी डेज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ फिनेंशियल ईयर फिनेंशियल ईयर जहां से स्टार्ट होता है वहां से एक सौ अस्सी दिन के अंदर और कोस्ट ऑडिटर के लिए कंपनी को सीआरए टू फॉर्म फाइल करना पड़ता है और कोस्ट ऑडिटर का कोई वैकेंसी या अपॉइंटमेंट सब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग करते हैं एक पॉइंट याद रखिएगा कंपनी सीआरए टू फाइल करता है तो उसके पास दो ऑप्शन है जब कॉस ऑडिटर अपॉइंट होता है अपॉइंटमेंट लेटर जहां से मिलता है वहां से तीस दिन के अंदर कर सकता है या फिनेंशियल ईयर के एक सौ अस्सी दिन जहां से फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है वहां से एक सौ अस्सी दिन में जो जल्दी होगा बस इतना ही कॉस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के लिए याद रखना फॉर्म नंबर जरूर याद रखेगा सीआरए टू याद रखियेगा ठीक है तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिये फिनांशियल ईयर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से एक दिन के अंदर आर ओसी के पास सी आर ए टू फाइल होगा और बोर्ड अपॉइंट करता है कॉस ऑडिटर को अब नेक्स्ट आ जाइए कॉस ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म सी आर ए थ्री याद रखिएगा इसको ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बोलता है कॉस्ट ऑडिटर जब अपॉइंट किए तो वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा ठीक है किसको देगा कंपनी का डायरेक्टर लोगों को देगा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टर ऑडिटर अपना कॉस ऑडिट रिपोर्ट बना के देता है उसका टाइम क्या है विद इन एटी डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फिनेशियर फिनेंशियल ईयर जहां से क्लोज होगा वहां से एक दिन के अंदर वही बातें लिखी गई है ध्यान से सुनिएगा देखिए क्या लिखा है कॉस ऑडिटर सबमिट टू द बोर्ड विद इन वन एटी डेज कॉस ऑडिटर सबमिट क्या चीज कोस ऑडिट रिपोर्ट याद रखिएगा देखिए कॉस्ट ऑडिटर सबमिट क्या चीज सबमिट करेगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द बोर्ड विद इन 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर जहां से क्लोज हो रहा है वहां से 180 दिन के अंदर कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट बोर्ड को देगा कौन सा फॉर्म में कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा कॉस्ट ऑडिट को फॉर्म सी आर ए थ्री में कॉस ऑडिटर अपना कॉस ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के लिए कौन सा फॉर्म हुआ सीआरए थ्री कॉस ऑडिटर को अपॉइंट किस में करते हैं सीआरए टू में याद रखेगा अब आ जाइए फाइलिंग ऑफ कॉस ऑडिट रिपोर्ट कंपनी ने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया कॉस ऑडिटर जब अपॉइंट हुआ तो वो कॉस ऑडिटर रिपोर्ट बना के दिया ठीक है अब कॉस ऑडिटर रिपोर्ट्स के बाद आ जाता है वह कंपनी उस कॉस ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल करती है एमसीए में फाइल करती है उसके बारे में सीखेंगे कंपनी को जब कोस ऑडिट रिपोर्ट मिलती है तो वो जब जिस दिन मिली वहां से तीस दिन के अंदर वह सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल कर देती है फॉर्म सीआरए फोर में याद रखेगा तो कंपनी सेल विद दे इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर सीआरएफ मतलब कंपनी को जब कॉस ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा वहां से जिस दिन देगा वहां से तीस दिन के अंदर कंपनी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी कौन से फॉर्म में बना के सीआरए फॉर्म सी आर एफ फॉर्म में याद रखियेगा सीआरएफ फॉर्म एमसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है यहां मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे देगी ठीक है अब देखिए तीनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से सुनिएगा सीआरए वन में कंपनी कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है याद रखिएगा सीआरए टू में कंपनी कोस ऑडिटर को अपॉइंट करती है सीआरए थ्री में कोस ऑडिटर अपना कोस ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा और सीआरए फॉर्म में कंपनी कोस ऑडिट रिपोर्ट फाइल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेमुनरेशन ऑफ ए कोस ऑडिटर्स रेमुनरेशन कोस ऑडिटर का कैसे निकाला जाता है कैसे किया जाता है उस उसपे ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है है इफ कंपनी 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 हैव ऑडिट 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 यदि उस पे है या में नहीं है ऑडिट कमेटी जानने के लिए हर कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है तो ये आप प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट में बताया गया कि, कि किस कंपनी पे ऑडिट कमिटी अप्लीकेबल है उसका मैं क्लास दिया हूँ ठीक है अब ध्यान से सुनिये खाली यहाँ आपको ये यह लिखना है बुक्स में यदि आपकी कंपनी पे ऑडिट कमेटी है या आपकी कंपनी पे ऑडिट कमेटी नहीं है तो इफ कंपनी है ध्यान से सुनिएगा बोलता है यदि कंपनी के पास उसकी ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमेटी सजेस्ट नेम ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर्स फॉर अपॉइंटमेंट एंड हिज रेमुन ऑडिट कमेटी बताएगी कि सजेस्ट करेगी ऑडिटर किसको बनाना है और उसका रेमुनरेशन कितना होना चाहिए यदि कंपनी के पास ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी सजेस्ट कर देगी नेम ऑफ द ऑडिटर एंड हिज रेमोनरेशन दूसरा ऑडिट कमेटी जब सजेस्ट करेगी तो कंपनी का बोर्ड उस कॉस ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा देखिए ऑडिट कमेटी के समय क्या बोला गया है ऑडिट कमेटी कोस ऑडिटर का नाम बताएगा और उसका रेमुनरेशन कितना होना चाहिए बताएगा उसके बाद क्या करेगा बोर्ड उस कॉस ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा तो अपॉइंटमेंट कौन किया बोर्ड कर दिया उसके बाद जो उसका रेमुनरेशन होगा उसको अप्रूव करेगा बोर्ड लेकिन शेयर होल्डर का कंसेंट लेके याद रखें रेमुनरेशन अप्रूव बाई बोर्ड विथ कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर बिना शेयर होल्डर के कंसेंट के ऑडिट माने बोर्ड उसको अप्रूव नहीं कर सकता है याद रखिएगा और जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है याद रखिएगा उस केस में बोर्ड कोस ऑडिटर को, को अपॉइंट करेगा और उसका रेमुनरेशन को शेयर होल्डर अप्रूव करेगा याद रखेगा तो सीधा सा याद रखेगा ऑडिट कमेटी नहीं है तो तीन चीज लिखिएगा ऑडिट कमेटी है तो तीन चीज लिखिएगा ऑडिट कमेटी नाम को सजेस्ट करेगा और रेमुनरेशन को सजेस्ट करेगा बोर्ड उसको अपॉइंट करेगा और बोर्ड रेमुनरेशन को अप्रूव भी कर सकता है लेकिन कंसेंट लगेगा शेयर होल्डर का तो रेमुनरेशन अप्रूव बाय बोर्ड लिखेंगे तो भी गलत नहीं है और जहां ऑडिट कमेटी नहीं है वहां बोर्ड अपॉइंट कर रहा है कॉस्ट ऑडिटर को उसका रेमुनरेशन को शेयर होल्डर अप्रूव कर रहा है याद रखेगा स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस ऑडिट कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए पर्पस क्या होना चाहिए ठीक है सबसे पहले कोर्स अकाउंट्स को चेक करेगा कोस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करेगा चेकिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स या चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स डिटरमाइन कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिटरमाइन करता है सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करता है कॉस्ट को रिडक्शन करता है सब लॉजिकली लिख देंगे प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है उसका चेकिंग करता है प्रॉपर जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है वही चीज पर्पस होना चाहिए कॉस्ट ऑडिट क्योंकि कॉस्ट ऑडिट के कारण ही हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स को चेक कर पाते हैं कंपनी का सेलिंग प्राइस में फिक्स करता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करता है कॉस्ट को रिडक्शन करता है सिंपल लॉजिक आगे एक चीज देखिए एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट इन ब्रीफ किसका किसका रिक्वायरमेंट है कहां रिक्वायरमेंट है ध्यान से सुनिएगा कॉस्ट ऑडिट विल बी हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट सोसाइटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट कॉस्ट ऑडिट मदद करता है मैनेजमेंट को सोसाइटी को शेयर होल्डर को एंड गवर्नमेंट को कैसे देखिए मैनेजमेंट को हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स चोरी चोहारी पकड़ने में मदद करता है एरर्स फ्रॉड एंड एरर्स को डिटेक्ट करने में मैनेजमेंट का हेल्प करता है कंपनी का मैनेजमेंट का क्या चीज का हेल्प करता है क्योंकि प्रॉपर कोस्ट निकाला जा सकता है कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है हायर कोस्ट दिखा के याद रखेगा तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स में मदद करता है शेयर होल्डर को जो उसका इन्वेस्टमेंट उसका प्रॉपर रिटर्न निकालने में मदद करता है गवर्नमेंट को जो इन एफिशियंट यूनिट है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और सोसाइटी को रिलायबल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो रिलायबल प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर कस्टमर से रिलायबल प्राइस लिया जाए प्रोडक्ट को ज्यादा कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाए उसमें हेल्प करता है याद रखिए मेरा क्लास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू